आज हम वाराणसी जिले में हैं। वाराणसी जिला सदियों से भारत देश में अपना एक स्थान रखता है। 2022 की सरगर्मी, चुनावी सरगर्मी भी चल रही है। मैं ऑन हाईवे जा रहा था तो कार्यालय पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के कार्यालय में मैं आया। हमारी मुलाकात SSP ग्रामीण अमित वर्मा जी से हुई। तो आज मतदाता दिवस है। मतदाता दिवस पर प्रशासन ने एक जागरूकता अभियान, जागरूकता प्रशासन के माध्यम से एक जागरूकता की मतदान को लेकर के सजगता, मतदान को लेकर के कार्य प्रणाली को सही ढंग से करने का एक वैचारिक और एक संवैधानिक जो है विचारधारा जो अपनाया है। मैं अपने इस मीडिया के माध्यम से अपने हिंदुस्तान, भारत और विश्व के दर्शकों को, लोगों को यहाँ की पूरी स्टोरी के साथ दिखाना चाह रहा हूँ, सच्चाई से रूबरू कराना चाह रहा हूँ। तो यह SSP वाराणसी का कार्यालय है। कैमरामैन आप हमारे साथ आइएगा। हम सबसे पहले हम SSP ग्रामीण के कार्यालय में जो आए हैं, हमें प्रधान लिपिक शाखा दिखाई दिया है। हम अभी कार्यालय के अंदर आए तो यहाँ पर तमाम प्रशासन से जुड़े लोग हमें दिखाई दिए। हम इसका भी एक डिटेल अपने हिंदुस्तान, भारत और विश्व के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। अब आप थोड़ा सा चलिएगा हमारे साथ। इसके बाद हमें एक दूसरा कार्यालय जो है सामने दिखाई देगा। यहाँ पर हमको लगता है कि कुछ फरियादी लोग हैं। बनारस बहुत बड़ा जिला है, अपने राज्य में बहुत बड़ा स्थान जो है रखता है। ये प्रशासन से जुड़े लोग हैं। सर को भी दिखाइएगा, सर को भी दिखा दीजिए। और मैं दूसरे कार्यालय में मैं अंदर आया तो यहाँ पर भी मुझे लगभग कई प्रशासन से जुड़े लोग दिखाई जो है दिए। लग रहा है कि वाराणसी में प्रशासन मुस्तैदी से और वास्तव में संवैधानिक तरीके से कार्य कर रहा है। और आगे जो है चलिएगा। इसके बाद हम पास में आते हैं तो जन शिकायत प्रकोष्ठ दिखाई देता है। खान साहब हैं। खान साहब को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, अच्छे अधिकारी हैं। इनके पास जो भी फरियादी आता है तो उसका एक जितना हो सकता है यह अपने कार्यों को प्रकोटी करते हैं। अंदर हम आते हैं तो हमें महिला डेस्क जो है इनको भी दिखा दीजिएगा। महिला डेस्क हर थाने पर होता है और यहाँ SSP ऑफिस में भी महिला डेस्क बना हुआ है। अब आप आइए हमारे पास, साथ आइए। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर वाराणसी SSP से जुड़े PRO। देखिए यह जो है PRO साहब का भी कार्यालय है। यहाँ PRO साहब बैठते हैं। अभी सचिन पटेल जी थे, अब हमको लगता है कहीं चले गए हैं। अंदर भी तमाम कार्यालय है, क्योंकि अंदर जाना हम उचित नहीं समझेंगे, यहाँ से दिखा दीजिएगा। अब आइए, अब हम SSP साहब के कार्यालय में जो है चलते हैं। SSP साहब के कार्यालय में जो है चलते हैं। हम SSP साहब के माध्यम से अपने हिंदुस्तान के लोगों को, अपने भारत के लोगों को कुछ सच्चाई और कुछ अच्छाई को दिखाना चाहेंगे। और हम SSP ग्रामीण साहब जी के कार्यालय में आ गए हैं। और मैं 2 से 3 बार सर से मेरी मुलाकात हुई है। और जितना भी फरियादी, जितने भी पीड़ित लोग रहे हैं, 1-2 कार्य मैंने भी कहा है, सर ने उसको बखूबी एक अधिकारी के तौर पर जो है निभाया है। आज मतदाता दिवस के तौर पर वाराणसी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के यहाँ मतदाता को लेकर के प्रशासन ने सजगता और प्रखरता दिखाया है। हम वाराणसी पुलिस अधीक्षक जी अमित वर्मा जी के माध्यम से अपने हिंदुस्तान, अपने भारत, अपने विश्व के दर्शकों को और लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना चाहेंगे। तो सर आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। सर एक बार सबसे पहले सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं, कई SSP हैं, लेकिन आप एक एक्टिव दिखते हैं, क्या कारण है सर? देखिए, किसी भी पुलिस अधिकारी की ये जिम्मेदारी होती है कि जो उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको पूर्ण मनोयोग के साथ जिम्मेदारी से निभाए। तो उसमें ये कोशिश रहती है कि क्योंकि बनारस ग्रामीण जो एक नया जनपद है, यहाँ जनता की जो है सुनवाई समय से हो, जनता की जो समस्या लोग लेके आते हैं उनकी सुनवाई हो, इसीलिए जो हमारा सारा स्टाफ, सारे अधिकारी जो इसमें तत्परता से लगे रहते हैं। सर मतदाता दिवस का एक सजगता प्रखरता यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो है दिखाया गया, इसका क्या स्पष्टीकरण है सर?
देखिए आप लोग मेरे से अवगत है कि आज एक मतदाता दिवस रूप के 25 जनवरी को मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में सभी सरकारी दफ्तरों में, सिर्फ पुलिस में ही नहीं, सभी सरकारी दफ्तरों में मतदाता जागरूकता के लिए एक शपथ 11 बजे पढ़ी गई है। हमारे ऑफिस में भी और अन्य जो हमारे जनपद है, थानों वगैरह में, सब जगह इस सब शपथ को लोगों ने पढ़ा है। और ये शपथ देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि जो मतदाता है, डेमोक्रेसी में जो मतदाता होता है उसके पास जिम्मेदारी होती है डेमोक्रेसी में, कि वो जब अपने मतदान का जो को का जो राइट है उसका एक्सरसाइज करे और डेमोक्रेसी में प्रतिभाग को डायरेक्टली कर सकता है। तो उसी जागरूकता को करने के लिए समय समय पर इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं और 25 जनवरी को आज है मतदाता दिवस रूप में इसको मनाया गया है और यह शपथ ग्रहण समारोह सभी ऑफिस वगैरह में हुआ है। सर, आचार संहिता लग चुका है, 2022 चुनाव का अध्यादेश लग चुका है, सर किस तरह की तैयारी वाराणसी प्रशासन की है? सर देखिए, इसमें लगभग सभी पैमानों पे जो है वो तैयारियां हो चुकी हैं। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि जो जिले में लगभग 2 कंपनी हमारे CPA में भी आया हुआ है, लगातार रोड मार्च हो रहा है, अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, चाहे वह MPW की कार्रवाई हो, वह शस्त्र वह शराब की हो। पुलिस की जो अपनी आंतरिक तैयारियां होती हैं, क्योंकि फोर्स का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक, वो भी सब तैयारियां हो गई हैं। चुनाव कार्य भी बखूबी कार्य कर रहा है और चुनाव आयोग की भी एक बैठक जो है दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हो चुकी है, उनके भी जो गाइडेंस हम लोगों को मिला है, जो निर्देश मिले हैं, उनका अनुपालन कराया जा रहा है। और फरवरी माह में जो है ये 7 चरणों में जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जनपद वाराणसी ग्रामीण में जो है अंतिम जो चरण है 7वें चरण में उसमें चुनाव होगा और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ उसके लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं और अच्छा इलेक्शन हम लोगों के द्वारा जो है संपन्न कराया जाएगा। सर, यह जो जिला है, मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, भारत देश के यहाँ के सांसद हैं, तो कैसा अनुभव होता है सर कार्य करके आपको? देखिए, बनारस की अपने आप में एक जो है वो महत्वता है, वो पुराने समय से काफ़ी महत्वता है। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद हैं तो उससे जो है, और क्योंकि राजनीतिक रूप से जो है और पॉलिटिकल रूप से जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट बन गया है, इसलिए इसमें हम लोग की सभी की कोशिश की ये रहती है कि भाई जो जनता की जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो पुलिस की से जो उनकी अपेक्षाएँ होती हैं, सुनवाई हो, अपराधियों में भय व्याप्त हो, इस तरह की हम लोग की कोशिश रहती है। सर, वाराणसी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के तौर पर एक संदेश प्रदेश देश दुनिया के लोगों को हम देना चाहेंगे? सर देखिए, संदेश यही है कि भाई अपना जो पुलिस की तरफ से तो यही है कि गलत कार्यों में आप लोग लिप्त ना हो और सही कार्य करें, जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें और आपस में भाईचारे के साथ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मतदान का प्रयोग करें। धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। सर का कहना है कि यदि इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़, आप आइए बात, हमारी आवाज़ उत्तर प्रदेश और जहाँ तक जाती हो, पुलिस का जो कर्तव्य है, पुलिस का जो कार्य है, पुलिस अधिकारी का जो कार्य है, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस अधिकारी का कार्य वो बखूबी जो है कर रहे हैं, लोग गलत करने से बचें, सरकार के नियमों का पालन करें, प्रशासन के नियमों का पालन करें, प्रशासन हमेशा पब्लिक के साथ, उत्तर प्रदेश और देश के साथ है, था और रहेगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजित कुमार मिश्रा।